इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक योर फर्स्ट इंटर्नशिप इंटरव्यू। सो गाइस, आई हैव गिवन सेवरल इंटर्नशिप इंटरव्यूज एंड रिसेंटली आई गॉट सेलेक्टेड टू बी एन इंटर्न एट IHS मार्केट विद अ स्टाइपेंड ऑफ ₹25,000। सो गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि IHS मार्केट है क्या। सो IHS मार्केट इज बेसिकली अ कंपनी विच डील्स विद द डेटा एनालिसिस एंड फर्दर प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द अदर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस। सो ये बेसिकली डेटा से डील करती है और उसके जो कंपनीज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है यूजिंग द डेटा एनालिसिस। सो गाइस, इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है और फर्दर इंडिया में यहाँ पे 3 सेंटर है। एक है हमारे पास बैंगलोर में, दूसरा है गुड़गांव में साइबर सिटी एंड थर्ड वन इज़ इन नोएडा। सो मेरा जो अभी इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली वो गुड़गांव साइबर सिटी में हुआ था एंड दैट आई क्रैक्ड इट। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कितने बेसिकली राउंड्स होते हैं किसी भी इंटर्नशिप इंटरव्यू में, और जो भी रिसेंटली जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने क्या कुछ उसके आंसर्स दिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ताकि हम अपने जो इंटर्नशिप इंटरव्यू उसको ईजिली क्रैक कर सकें। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, जो भी मैंने गलतियां करी थी उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं फर्दर ताकि हम उसे रिपीट ना करें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जनरली किसी भी इंटर्नशिप इंटरव्यू में हमारे पास 4 से 5 राउंड होते हैं, ठीक है। सो इस केस में मेरे यहाँ पे 4 राउंड हुए थे, ठीक है। सो जिसमें से एक राउंड तो हुआ था कैंपस में, मतलब मेरे कॉलेज में हुआ था, बाकी के बचे हुए 3 राउंड हमें उसके लिए गुड़गांव साइबर सिटी बुलाया था जहाँ पे इनका ऑफिस है, वहाँ पे बाकी के बचे हुए 3 राउंड हमारे लिए गए थे, ठीक है। सो पहला राउंड होता है हमारे पास बेसिकली एप्टीट्यूड, दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन, तीसरा होता है टेक्निकल एंड चौथा होता है हमारे पास टेक्निकल प्लस HR, ठीक है। तो ये 4 राउंड के बारे में अभी हम जानते हैं। सो गाइस, जनरली जो इंटर्नशिप का हर एक राउंड जो होता है वो एक एलिमिनेशन राउंड होता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक राउंड में परफॉर्म नहीं किया अच्छा, तो देन यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। सो ध्यान रखना कि आप हर एक राउंड को अच्छे तरीके से क्लियर करें, ठीक है। सो पहला राउंड जो होता है वो एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड में हमारे पास बेसिकली एक जनरल एक टेस्ट होता है जिसमें कि हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस केस में मैंने जिस इंटर्नशिप रोल के लिए अप्लाई किया था वो था जावा डेवलपर, ठीक है। सो उसमें मेरे पास बेसिकली जो मेन चीज़ होती वो थी जावा एंड SQL, ठीक है। सो अभी जो मेरा जो एप्टीट्यूड हुआ था वो बेसिकली एक एमकेट नाम के एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस के बनते हैं। पहला सेक्शन था हमारे पास इंग्लिश, दूसरा था मेंटल एबिलिटी जिसमें कि जनरल बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह, और थर्ड था हमारे पास कोर जावा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके स्ट्रीम से रिलेटेड जिसमें आपने अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश तो काफ़ी सिंपल थी, आई थिंक कि आसानी से हर बंदा कर लेगा उसे, और प्लस जो मेंटल एबिलिटी थी वो भी काफ़ी सिंपल थी, और जावा आई थिंक जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है, जिसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी, वरना तो आई थिंक एवरीबडी कैन क्लियर इट, ठीक है। सो इसके बेसिस पे पहले जो भी अच्छे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे उसे फिर सेकेंड राउंड में बुलाया जाता है, ठीक है। सो आई क्लियर्ड दैट राउंड एंड फाइनली आई गॉट एन इन्वाइट टू बी इंटरव्यूड एट द ऑफिस, ठीक है। सो गाइज, सेकेंड राउंड इज द ग्रुप डिस्कशन राउंड। सो गाइज, मुझे लगता है कि दैट ग्रुप डिस्कशन राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। क्यों? क्योंकि अगर आपके टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है पर अगर आप इस राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपकी टेक्निकल नॉलेज का कोई यूज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप उसको शोकेस ही नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दैट ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एलिमिनेशन राउंड है और इसमें आप अगर आप एलिमिनेट हो गए तो देन आपकी टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली जनरल टॉपिक्स दिए जाते हैं, आसान होते हैं काफ़ी। सो मुझे जो टॉपिक मिला था वो था कैन ई लर्निंग रिप्लेस दी क्लासरूम प्रोग्राम्स। तो आई थिंक टॉपिक सुन के तो तुम समझ के हो गए काफ़ी आसान है। सो आई स्टार्टेड द ग्रुप डिस्कशन और फिर मैंने और लोगों को भी एंगेज कर लिया बाय सेइंग दैट यू कैन ऑल शेयर योर व्यूज़। सो ऐसे करके फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, फिर बाद में बीच बीच में कुछ पॉइंट्स वगैरह भी शेयर करें। सो आई थिंक दैट टॉपिक काफ़ी ईजी था और दूसरों के व्यूज़ सुन सुन के एक तरह से हम डिस्कशन आसानी से इस पर कर सकते थे। सो गाइज, अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड पे, जो राउंड डिसाइड करेगा कि तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज़ टेक्निकल राउंड, ठीक है। सो गाइज,
टेक्निकल राउंड बेसिकली तुम्हारा जो होता है उसमें तुम्हारे जो भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक उसको मतलब एक तरह से तुम्हारा वायवा हो गया, ठीक है, कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या कुछ पढ़ा है और तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। सो मेरा टेक्निकल राउंड था वो ऑलमोस्ट 30 to 35 minutes चला था, जिसमें कि उन्होंने मेरे से बेसिक इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिया मेरा कि नाम बताओ वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मेरा जो रिज्यूमे था उसमें मैंने जो पास एक्सपीरियंसेस लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल बींग एन MSP की मैंने क्या कुछ काम किया है, आई एम दी फाउंडर ऑफ BCBR स्टूडेंट हेल्प क्लब, तो उसमें मैंने क्या कुछ किया है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने पूछा। और उसके बाद मेरे जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो मेरे प्रोजेक्ट पे था कि मैंने क्या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। सो मैंने अपने जो रेज्यूमे में उसमें मैंने दो प्रोजेक्ट मेंशन किए थे। पहला प्रोजेक्ट था मेरा वेब डेवलपमेंट का, इसमें कि बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर बनाया था, और दूसरा था मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम का, ठीक है, जो कि मैंने जावा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS SQL को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। सो गाइज ये दो चीज़ें होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार ये लो मार्कर और वो रहा व्हाइट बोर्ड, वहाँ पे हमें ड्रॉ करके बताओ कि तुमने कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। सो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बताओ कि तुमने कौन कौन सी क्लासेस यूज़ करी, डेटाबेस कैसे तुमने इसको यूज़ किया, डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया, उसको कैसे नॉर्मलाइज किया, और फर्दर फिर उन्होंने मुझसे और क्रॉस क्वेश्चन किए कि क्या मैंने इस प्रोजेक्ट को खुद बनाया नहीं बनाया, ठीक है। सो गाइज ये आई थिंक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड था, ठीक है। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ और तुमने वो मेंशन किया हुआ अपने रिज्यूमे में, सो डेफिनेटली अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे सो आई थिंक दैट डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे तो वो समझ जाएंगे कि यार आपने प्रोजेक्ट ये खुद नहीं बनाया है। सो डेफिनेटली आप वही चीज़ को मेंशन करना जो कि आपने खुद बनाई है, जो कि आपने खुद अपने हाथों से करा है, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं जावा की। तो जावा में उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट पूरी के पूरी जावा ही पूछ डाली, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जिनमें उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी, वो था बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक डिफरेंसेस वगैरह पूछे थे, ठीक है। तो जो भी आपने जावा पढ़ रखे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और फर्दर उन्होंने मुझसे थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पूछा था, पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये तीन से चार चीज़ें जो हैं इन पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया था। सो गाइज अगर आप इन चारों चीज़ों को कवर कर जाओगे तो डेफिनेटली आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज नाउ द फोर्थ एंड फाइनल राउंड इज द टेक्निकल प्लस HR राउंड। तो गाइज ये राउंड जो होता है वो काफ़ी रिलैक्स राउंड होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जनरल डिस्कशन होता है आपकी लाइफ के बारे में, आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपका किस में इंटरेस्ट है। तो मेरे से सबसे पहले उन्होंने जो बंदा था वो काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पूछा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बेसिकली जो मेरे इंटरेस्ट है कि मैं किस टेक्नोलॉजी में फर्दर काम करना चाहता हूँ। सो मैंने बेसिकली Azure पढ़ रखा था, Azure इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने जनरल डिस्कशन किया क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, और फिर डेटाबेसिस के बारे में बात हुई, SQL वर्सेस NoSQL डेटाबेसिस। तो उसमें भी जनरल डिस्कशन हुआ कि क्यों कौन सा बढ़िया है, कौन सा यूज़ करना चाहिए हमारी कंपनी में। तो वैसे मतलब जनरल डिस्कशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पज़ल पूछी थी, जो बेसिकली आई थिंक कि पज़ल्स तो सभी इंटरव्यूज में पूछी जाती है, तो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो मेरे से बहुत आसान सी पज़ल पूछी थी, उस आपको 10 balls दी गई हैं, जिनमें से एक बॉल आपकी हैवी है, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पता करना है कि हैवी बॉल कौन सी है। सो ये काफ़ी ईजी पज़ल है। इस पज़ल को मैंने इस वीडियो के एंड में पूरा एकदम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस पज़ल को तुम सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। और फिर मैं फर्दर बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन को हम कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन को क्लियर करने के लिए यार ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और तुम कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है। क्योंकि अगर कोई दूसरे बंदे ने मान लो कुछ और पॉइंट मेंशन किया और वो पॉइंट आपके साथ मैच नहीं करता, तो ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत बोला है, ठीक है, आपने जो बोल दिया वो ठीक बोल दिया। बाकी आप और बच्चों की बातें सुन के फर्दर उसका कंक्लूजन निकाल के वहाँ पे शो कर सकते हो, तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। प्लस ये है कि तुम्हें दूसरा पॉइंट ये आता है हमारे पास कि तुम्हें ड्रेस नीटली होना चाहिए, मतलब तुम काफ़ी अच्छी तरीके से कपड़े पहन के जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जैसे मुंह उठाए और चल दिए।
तो तुम्हें मतलब कम से कम फॉर्मल यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए ताकि तुम लगे कि हाँ यार ये बंदा कॉपरेटिव वर्ल्ड में काम करने लायक है। ठीक है, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, सो गाइस थर्ड पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया या फिर तुमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन करी हुई हैं तो अपने रिज्यूमे में तुम वहाँ पे मेंशन कर देना कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में हो या फिर बिगनर लेवल में हो। ठीक है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि तुम ताकि उससे इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि यार मेरा इस चीज़ में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ ये वाली है, तो आप यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए बजाय कि इस टॉपिक से। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये कि मान लो अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर रखी है जो कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है जो कि आपने नहीं बनाया, ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे वो क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि मुझे ये एक्सप्लेन करो, तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि तुमने अगर प्रोजेक्ट वो नहीं बनाया तो कम से कम तुम उसके प्रोसेस के बारे में जानते हो कि ये प्रोजेक्ट बनता कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने अभी कोई वेब डी का कोई प्रोजेक्ट बनाया तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करूँगा, क्योंकि वो वहाँ पे तुम्हें से बनवा के नहीं देखने वाले। ठीक है, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें शायद इसके बारे में पता है या नहीं पता है। सो गाइस अब बारी आती है लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दो पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि नेवर रीच लेट फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, सो मेरे साथ क्या हुआ कि यार मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना था साइबर सिटी, तो मुझे लगा यार 1.5 घंटे में आराम से हम पहुंच सकते हैं। मैंने मेट्रो पे देखा कि कितना टाइम लगेगा तो उसमें 1.5 घंटा ऑलमोस्ट दिखा रहा था। सो 8 बजे मैं निकला, मुझे लगा कि यार 8:30 तक आराम से पहुंच जाएंगे। पर बीच में क्या हुआ कि वहाँ पे उस दिन अचानक से मेट्रो रुक गया आधा घंटा बीच में, फिर आधा घंटा मुझे ऑफिस ढूंढने में लग गया, फिर आधा घंटा वॉकिंग वगैरह में लग गया। तो क्या हुआ कि 10 बजे का टाइम था, मैं पहुंचा 11 बजे। ठीक है, सो आई वॉज बिट नर्वस उस समय कि यार मुझे लगा कि यार कुछ छूट तो नहीं गया। उस समय उन्होंने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया था पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो भी लोग वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स का, पर आई थिंक दैट उसकी वजह से मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो गई थी। तो नर्वसनेस होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, फिर लगा कि यार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी ये मैं तुम्हें मैंशन करना चाहूँगा कि कभी भी अपने अपने इंटरव्यू के लिए लेट मत जाना। ठीक है, उससे तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो मैं मैंशन करना चाहूँगा वो है ईट समथिंग बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि यार तुम्हारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, 5 से 6 घंटे तुम्हारे आराम से इसमें लग जाते हैं, तो पहले कुछ खा पी के जाना। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि यार मैं फटाफट से आई वॉज एन बिट लिटल बिट हरी, तो क्या हुआ कि यार मैं ड्राई फ्रूट्स खा के निकल लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ऑफिस जाके वहाँ पे कुछ खाने के लिए था नहीं, वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी थी। सो बाय दी टाइम जब टेक्निकल बस एच आर राउंड चल रहा था तो काफ़ी मतलब आई वॉज बिट लो इन एनर्जी, तो उस समय मेरे से छोटे प्रॉब्लम भी बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम भी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, ऑल दो आई सॉल्व देम वेरी वेल। बट फिर एचआर ने मुझे कह दिया कि यार भाई थोड़ा सा जल्दी कर ले, ठीक है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है छोटी सी प्रॉब्लम में। ऐसा केस आई थिंक तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए थोड़ा सा खा पी के जाना पहले ताकि तुम आसानी से वहाँ पे बैठ सको। सो गाइस आई थिंक कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी इंटर्नशिप इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, या फिर कोई सी भी और कंपनी हो। और फर्दर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और इस वीडियो को तुम यार लाइक कर दो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे इसी तरह की बहुत सारी और वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।